अपनी बेटियों को कैसे बड़ा करना है बस उसी सब में लगे रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, और बेटों को कुछ नहीं कहते। अपने भटके हुए लड़कों को, बेटों को समझने की, समझाने की जरूरत है। आज ऐसा लग रहा है मानो किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। जिन पुरुषों की संकल्पना हमने की थी, क्या वास्तव में उनका होना मुमकिन है? या फिर लोगों की ये मान्यता सही है कि मर्द बदल नहीं सकता? मुझे इम्तिहान के अच्छे होने का एहसास तो है, लेकिन नतीजा कैसा होगा उसकी बेचैनी भी है। बतावे और समझावे ओ किया आज आयोजन है, ओ सासी सासी तुम्हें बतावे क्या परिवार ने भोजन है। सही समय पे होए विवाह, सही समय पे होए विवाह, वो तुरंत न हो बच्चे की चाह। और आप लोग सोचते हैं कि महिला नसबंदी सही है, पुरुष नसबंदी गलत बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पुरुष नसबंदी सबसे मस्त बंदी है। आप कब आए? नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव। थैंक यू। बस आप सब लोगों का उत्साह ही देख रही थी, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी। आपका कार्यक्रम देख के हमने जो देखा टीवी पे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उससे हमको जो प्रेरणा मिली है उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से चीजें सीख रहे हैं और अपनी जिंदगी में उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी जो सहनशीलता है जेल के अंदर सब कुछ दिखा है हमने, बहुत अच्छा लगा है। न जाने किस्मत हमारे साथ कौन सा खेल खेल रही है। ये सब पार हो जाएगा बाबूजी। आप ही तो कहा करते थे ना कि मैं कुछ भी कर सकती। हम जो मित्र वगैरह हैं और सबसे जिससे हमारी बनती है उसको भी यही बताते हैं कि देखो सही तरीका क्या है जीने का, वो आप इस सीरियल को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो सोच आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है उसका इतना असर हो रहा है। चलिए मुझे अपना गांव तो दिखाइए। चलिए पहले अपने घर में हिंसा करते थे जी। और आपका ये कहना है कि गांव में ज्यादातर लोग इस तरह की चीजें करते हैं। जी बिल्कुल मैडम, ये बात बहुत सच है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण होता है हर क्षेत्र में, तो कभी कभार आपस में लड़ाई भी हो जाती थी। आपका जब सीरियल देखा है तो उसमें हर एक जगह कहीं ना कहीं एक संदेश रहता है। औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी एक पल भी नहीं भूलता, औरत इंसान है। जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है वही मर्द है। देखा और अपनी जिंदगी में उसको लेकर आए, हमने अपने आप को बदल लिया है। और वैसे मैं आपके पतियों से मिलकर आई हूँ, सबके पतियों से बहुत कुछ बताया कि ये करते हैं वो करते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। हाँ। आपको क्या लगता है सच में कुछ सीखे हैं वो? हाँ, सीखे। पहले परेशान करते थे, झगड़ा वगड़ा हो जाता, मारते पीटते थे। अभी भी आपको परेशान करते हैं? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हिंसा वाली बात आपने मुझे बताई उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज थी जिसका आप पर बहुत बड़ा असर हुआ? एक तो एपिसोड देखा था, सीमा जो होती हैं और उनके पति, सीमा को 3 बच्चे होते हैं
और चौथा बच्चा उनके पेट में होता है। इसके पेट में जो है माँ वो लड़की है, लड़की। तो इस बच्चे को गिरवाना पड़ेगा। सीमा दीदी, दीदी आप घबरा मत, स्नेहा दी भी यही है। सीमा की हालत बहुत खराब है। छठे महीने में उन लोगों ने गर्भपात करा दिया। हमारी सीमा बच नहीं पाई। जब सीरियल में इस तरह का दिखाया गया तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा कि वाकई में महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। जो आपका सीरियल देखा तो मैं अपनी पत्नी से और मैंने जाके कहा कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, बराबर सम्मान लड़का लड़की को देना चाहिए और लड़के को देना चाहिए। गांव में सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग की चलती है, वो चाहे उल्टा कहें चाहे सीधा कहें, वो कहते हैं मैं मर्द हूँ। जबकि मर्द वो है जो परिवार की, समाज की, औरत की, सबकी इज्जत करके। ये तो कह रहे बच्ची खत्म कर दी। नहीं तो फिर परिवार कहाँ से आगे बढ़ेगा? कहाँ से बढ़ेगा हाँ बताओ, समझाओगे इतने से बढ़ जाएगा? तो आपके पति आपको अब इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं कि नहीं हमको तो अभी बच्चा चाहिए या हम नसबंदी नहीं कराएंगे, नहीं। ये अच्छा नहीं है, इस तरह की कोई चीजें नहीं बोलते? अचानक से सब कुछ इतना अच्छा हो गया? अब देखते हैं टीवी में सब आपको तो वही देख तो करते हैं। ये मस्तबंदी क्या है? नसबंदी को ही हम मस्तबंदी कहकर बुलाते हैं, और एक बार मस्तबंदी हुई नहीं कि बस मस्त मस्त मस्त। इससे आपकी मर्दानगी या ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल पहले हमने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी उसका प्रभाव इतना गहरा हो सकता है शायद हमने सोचा ही नहीं था। सबसे अभिन्न अंग है लड़की इस समाज को चलाने के लिए, तो उसको हम अगर कहीं छोटा समझेंगे तो हमारी बुद्धि है कहीं छोटी है। और हम तो कहते हैं कि उनके जितना काम अगर हम करने लगे दूसरे दिन हो सकता है हमारी डेथ हो जाए। इतनी मेहनत करती हैं वो लोग, सबसे लेट सोती हैं, सबसे जल्दी जागती हैं। आप सब लोग भी अपने घर में कुछ काम वगैरह करते हैं, अपनी पत्नियों की मदद करते हैं या नहीं करते हैं? जब कभी मेरा बच्चा परेशान करता है तो मैं बच्चे को ले लेता हूँ, और जब भूखा होता है तो उसकी माँ को दे देता हूँ, उसकी जगह मैं काम कर देता हूँ, जैसे आग ही चूल्हा कुछ भी वगैरह मैं मसाला भी पीस के सब कंप्लीट कर देता हूँ, बस उसका साथ देता है। और उन्होंने मुझे बोला कि वो आपकी खाना बनाने में, बच्चों को संभालने में, सब चीजों में मदद करते हैं। जैसे बच्चे रो रही थी तो मतलब उन्हें खिलाती हूँ, मसाला भी पीस देती हूँ। मसाला भी पीस देते हैं? आता भी है उनको मसाला पीसना? आता है। गर्मी में हम समस्या हो जाती पानी की, दूर दूर लेने जाते हैं तो हम लोग नहीं जाते, तो फिर पानी लो भरवा देंगे, पानी तक भरवा देते हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छा है। ये एक दिन होगा औरतों की मर्जी का दिन। इस दिन औरतें अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, सिनेमा देखेंगी, और मर्द घर संभालेंगे, बच्चों की देखरेख करेंगे, खाना पकाएंगे। हमने एक दिन बैठ के कल्पना की कि हम तो रोजाना जाते हैं कभी छतरपुर, कभी राजनगर, कभी किसी के दरवाजे, कभी किसी की दुकान। हमने सोचा इसको कहीं जाने को नहीं मिलता है, इसके मन में ऐसी फीलिंग अगर होती है तो हम पूछें। राजू से मिलकर हमने उसे स्व सहायता समूह से जोड़ दिया। हमने कहा कभी ना कभी मीटिंग के माध्यम से आप लगेगा कि हमारा भी कोई ड्यूटी है, कोई काम है। कितना टाइम लगा ये सब चीजें बदलने में? कितना दिन हो गए? 2 साल। वाह, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के छोटे से प्रयास की वजह से आपकी जिंदगी पर सच में कोई फर्क भी पड़ा है। आप जैसे कहती हैं कि हमारा बहुत छोटा प्रयास है, जबकि हमारे लिए और समाज के लिए, पूरे देश के लिए, और यहाँ तक कि अगर विदेशों में भी प्रसारण होता होगा तो वहाँ भी ये फर्क कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। हकीकत का चेहरा खूबसूरत होता जा रहा है। कदम भले ही छोटे क्यों ना हो पर कमजोर नहीं होने चाहिए। विश्वास भरे छोटे छोटे कदमों से लंबा सफर तय किया जा सकता है। आज मुझे सुकून है क्योंकि मेरे सपने सच हो रहे हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।